हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता वाजपेयी आज आपसे जीएसटी हर कंज्यूमर को करनी चाहिए ये तैयारियाँ माय ई पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश में सामान पर एक ही जैसा टैक्स चुकाना होगा, इससे देश भर में सामान की कीमत एक ही रहेगी। लेकिन जीएसटी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सी बातें कहीं और सुनी जा चुकी हैं, जीएसटी क्या है, टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, इन पर बातें हो चुकी हैं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे बाजार में लागू हो जाएगा। 11 जून की मीटिंग के बाद तो ये बात भी हो गई है कि कई चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन अभी भी एक मामले में बात होनी ज़रूरी है, वो मामला है कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। जीएसटी को लेकर बिजनेस व्यापारी कंपनीज अपने अपने लेवल पर तैयारियां कर ही रही हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि एक ग्राहक या कंज्यूमर को भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए? तो कंज्यूमर की तैयारियों से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स आज मैं आपको देने जा रही हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी को लेकर बिजनेस व्यापारी कंपनियां अपने अपने लेवल पर तैयारियां कर ही रही हैं, लेकिन फिर भी जो लोग आपके और हमारे जैसे हैं, नौकरी पेशा लोगों को, मेरी जैसी और आपके जैसी हाउसवाइफ्स को क्या तैयारियां करनी चाहिए, उससे जुड़ी बातें आज हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या क्या तैयारियाँ जरूरी हैं? सबसे पहले कच्चा बिल बिल्कुल ना लें जब आप किसी शॉप पर जाएं। अब एक बात गांठ बांध कर रख लें कि किसी भी दुकानदार से कच्चा बिल बिल्कुल ना लें। आने वाले समय में पक्का बिल लेने की आदत आपके काम आएगी। कच्चा बिल लेने से पहले जो भी फायदे होते थे जीएसटी के बाद अब वो नहीं होंगे और शॉपकीपर को तय रेट पर ही आपको सामान बेचना होगा। अगर आप कच्चा बिल लेते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। पहले तो अगर आप बहुत सारा सामान एक साथ लेते हैं तो आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं दिल्ली के करोल बाग मार्केट से सामान खरीद कर इंदौर में बेचना चाहती हूँ तो पहले एक दर्जन साड़ियों पर मैं थोड़ा मोल भाव करवा कर कच्चा बिल लेकर अपना काम कर सकती थी, लेकिन अब आगे सप्लाई के लिए मेरे पास अगर पक्का बिल नहीं हुआ तो यह मेरे लिए गैर कानूनी होगा। इसी के साथ जैसे आम तौर पर अगर मैं किराना लेने जाती हूँ तो जून के महीने से मैं जुलाई के महीने का बिल टैली कर सकती हूँ। इससे आने वाले समय में कीमतों पर कितना असर पड़ा ये मुझे समझ में आ जाएगा। इसी के साथ पक्का बिल बनाने के चलते शॉपकीपर भी कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जून में किसी भी तरह के आइटम को स्टॉक करने से बचें। जून महीने में अगर आप किसी भी तरह के आइटम को स्टॉक करने का, जैसे 3 महीने का किराना ही भरवाने की सोच रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि स्कूल बैग से लेकर बिस्किट और 500 रुपए से कम कीमत वाले जूतों से लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक अगरबत्ती और इंसुलिन तक सब सस्ता होगा। भले ही ये फर्क इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने सामान स्टॉक किया है तो हाँ, थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तीसरी बात, महीने के अंत की जगह महीने की शुरुआत पर ध्यान दें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो महीने के अंत में ही बजट बनाकर बचे कुचे पैसे से सामान खरीद लेते हैं, या फिर सैलरी शुरुआत में नहीं आती है आपकी और आप मिड मंथ जैसे 10-20 तारीख के आसपास अपनी खरीदारी करते हैं, तो इसकी जगह इस महीने से अपना बजट जुलाई 1 से बनाइए। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप रेट लिस्ट देख लीजिए कि क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है, उसी हिसाब से अपना बजट बनाइए।
अगर हाँ, आप कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक इस जून महीने में खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय सबसे अच्छा समय चल रहा है, आप खरीद लीजिए, नहीं तो कुछ दिनों में रेट बढ़ जाएंगे। चौथी बात है, आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो जीएसटी लगने के बाद आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी एसी रेस्तरा में आप खाना खाने के लिए जाएं, तो वैसे ही आप किसी एसी रेस्तरा में खाने के लिए जाएं, तो वैसे ही आप बहुत ज्यादा टैक्स दे चुके हैं, तो ऐसे में आप टिप देने से बच सकते हैं। भले ही देखने में ये टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें सर्विस टैक्स, वेट सेंस आदि आप सब कुछ लगा लगा चुके हैं। पांचवी बात, इन्वेस्टमेंट। ऐसी कंपनियों पर इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, जिनके प्रोडक्ट्स की कीमत या तो बहुत बढ़ने वाली है या फिर बहुत सस्ती होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल माई ई पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास जीएसटी के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@myepathshala.online पर, और आप हमें www.myepathshala.online पर आप हमें देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।